उसी के अनुसार फिर उसका एप्लीकेशन ट्रीटमेंट में लेंगे और एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है क्लोट्स। क्लोट्स एब्सेंट है, प्रेजेंट है? एब्सेंट है, बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेजेंट है तो फिर टाइनी है, बिग है, उसकी भी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। स्मेल एब्सेंट रहनी चाहिए, है ना, सामान्य रूप से एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल है मगर वो नोटिसिएबल नहीं रहती, है ना, कि पेशेंट आके चीफ कंप्लेन में भी बता सकती है कि देयर इज ए फाउल स्मेल इन माय मेंस्ट्रुअल ब्लड, प्रीवियसली 3 months एगो इट्स नॉर्मल बट लास्ट 3 months देयर इज ए फाउल स्मेल, है ना। तो उसको भी हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई स्मॉल स्मेल को भी हमें वहां नोट करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जो मैंने कहा था कि अमाउंट देखेंगे हम, जैसे एक्सेसिव, इफ देयर इज ए एक्सेसिव अमाउंट देन आफ्टर डेज एंड पैड्स, है ना। ये कहीं लिखा नहीं है, बस मैंने ही एमडी करने के बाद जब इसके डिटेल स्टडी प्रैक्टिकल फॉर्म में करने की शुरुआत करी तो मैंने इस तरीके से लिखना शुरू किया था कि चलो सब कुछ लिखेंगे और क्या इससे हम ड्रॉ कर पाते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है, जैसे डेज को मैंने रोमन में लिख रखा है मगर कभी कभी यूट्राइन फाइब्रोइड में या पेरीमेनोपोज में मेंसेस आती है 10वें दिन तक 14वें दिन तक, तो रोमन में समझने में बड़ी दिक्कत आती है कि भाई ये कौन सा दिन है, है ना। तो फिर वहां भी आप नंबर लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो 4, 5, 6 दिन की है तो हम उसको रोमन में और पैड्स यहाँ सामने की साइड में लिख के, है ना, कि फर्स्ट डे 2 पैड्स। अच्छा, जब भी पेशेंट्स को हमने पैड पूछे कि विद इन 24 आवर्स हाउ मेनी पैड्स यूज्ड बाय यू, है ना, तो वहां फुल्ली सॉफ्ट यानी अच्छी तरह से भीगा हुआ, या कई बार बहुत सारी महिला जैसे वॉशरूम जाती है तो वो इसको चेंज कर लेती है, है ना। तो यहाँ हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस हिसाब से उसका वो उपयोग होता है, है ना। तो नंबर ऑफ पैड्स की संख्या हमें तुरंत ही वरना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जबकि अमाउंट टोटल इतना है नहीं, है ना। तो यहाँ इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वेल सॉफ्ट, है ना, कि अच्छी तरह से भीगा हुआ वेल सॉफ्ट पैड है, या जैसे भाई हर बार 2-3 घंटे में बदल दिया तो वो वॉशरूम गए तब, तो इस प्रकार से है तो नॉट वेल सॉफ्ट, है ना, इनटू ब्रैकेट आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डे 2 पैड्स एक्सेसिव अमाउंट है तो सेकंड डे भी 4 पैड्स, थर्ड डे 6 है, फिर अगेन 4th डे 3 पैड्स एंड 5th डे, है ना, एंड लेटर ऑन जैसे भी है इसकी हिस्ट्री रहती है, है ना, उसके अनुसार हम वहां उसका मेंशन करते जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने जैसे कहा था आपको कि हम हरेक पॉइंट को डिटेल में लेंगे, जैसे इफ देयर इज पेनलेस नो नीड टू वरी अबाउट दैट पॉइंट, बट इफ देयर इज अ पेनफुल, है ना, कि भाई दर्द बहुत होता है, जैसे आजकल मैंने देखा है कि विद इन लास्ट 2-3 ईयर्स एडेनोमायोसिस एंड इंडोमेट्रोसिस के इतने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि इतना वायु प्रकोपित हो कैसे रहा है, है ना। तो वहां हमें पेनफुल पॉइंट है वो बहुत डिटेल में पूछने की आवश्यकता है, और नो डाउट हम जितना भी इसमें हमें सीवियरिटी अधिक मिलेगी इतने हमें ट्रीटमेंट में ज्यादा एस्पेक्ट को लेना पड़ेगा, जैसे आपको योग बस्ती भी देनी पड़ेगी, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन फेज में मात्रा बस्ती भी देनी पड़ेगी, है ना, आपको अच्छी तरह से आहार विहार का भी पालन करवाना पड़ेगा, निदान परिवर्जन प्रकृति विकार। तो ये यहाँ के इतनी डिटेल सीवियरिटी पूछ के हमें पता चलता है कि साइट ऑफ द पेन क्या है, है ना, कि जैसे सामान्य रूप से सैक्रम, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, है ना, हम सब जानते ही हैं, तो जो जो भी साइट डिसमेनोरिया की बताई है उनमें से कितने का इन्वॉल्वमेंट है, तो साइट ऑफ द पेन, सीवियरिटी ऑफ द पेन, है ना, कि भाई किस प्रकार की सीवियरिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, है ना, वहां उसकी पेन की सीवियरिटी को भी नोट करना चाहिए। टाइप ऑफ द पेन, है ना, तो बहुत बार जैसे अपने उदावर्तिनी योनि व्यापद में लिख रखा है आर्तवे सा विमुक्ते तू तत्क्षण लभते सुखम, है ना, कि जैसे ब्लड क्लोट वहां से पास हो गया तो उसी समय बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो सेम यही चीज यहां हमें बताती है कि भाई टाइप ऑफ द पेन कंटिन्यूज रहता है किसी किसी में, तो किसी में कॉलिकी टाइप रहता है, किसी को इंटरमिटेंट रहता है, जिस प्रकार का वो बताती है उसको हमें यहाँ नोट करना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ द पेन, है ना, बहुत सारी महिला ऐसे बताती है कि मेंसेस आने के 4 दिन पहले से पता चल जाता है, 3 दिन पहले से पता चल जाता है, इवन 14 दिन पहले जस्ट आफ्टर ओवुलेशन पता चल जाता है कि मेरे हाफ पोर्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक भी अनइजीनेस, हैवीनेस ऑफ द बॉडी और इरिटेबिलिटी, है ना, ऐसे बहुत सारी
लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, कि जहां बिल्कुल चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इवन पेशेंट पढ़ी लिखी होती है, वो ओपीडी में आके हमें यहां तक भी बताती है कि मैडम मेरा इतना खराब स्वभाव नहीं था, मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए उल्टे, मगर मैं देती हूँ, है ना। वो मेरे बिल्कुल जैसे स्प्रिंग आपसे कैसे छूट जाती है पता ही नहीं रहता, ऐसे मेरे आंसर आते हैं फटाफट, मैं बोलती हूँ कि ऐसा है तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, है ना। तो वो सच में संस्कारी लड़की के ऊपर भी ये इतना ज्यादा प्रकोपित वायु असर कर देता है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स में ये ड्यूरिंग फ्लो भी मिलते हैं और एक दो दिन पहले भी मिलते हैं, नोजिया जैसा, जैसे कुछ भी खाने का मन नहीं करना, मिचली सी होती रहना, उल्टी भी आ जाती है, वर्टिगो रहता है, वीकनेस रहती है, हेडेक रहता है। हेडेक तो बहुत सारे पेशेंट्स में मिलता है कि मेंसेस आने के डेढ़ दिन पहले से शुरू हो जाएगा, यानी वो हेडेक ही बताता है कि डेट अभी एक दो दिन में आने वाली है। बॉडी एक रहता है, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, यानी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हम दूसरे भी ले सकते हैं कि जो एसोसिएटेड सिम्टम्स के रूप में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ ही मिलते हैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने कलर की बात की थी, तो वहां मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया, और उसमें और डिटेल थोड़ी सी ये करेंगे कि जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे कलर इज नॉट नॉर्मल एंड एट दैट पीरियड देयर इज अ स्कैंटी अमाउंट आल्सो, है ना, कि भाई शुरुआत के दो दिन खुल के महीना भी नहीं आता और कलर मरून, ब्लैक, लाइट ब्लैक एंड स्पॉटिंग ही रहती है, एंड देन आफ्टर थर्ड डे स्टार्ट होता है, जबकि 6 महीने पहले साइकिल बिल्कुल ओके था, है ना। तो विच वन डे वॉट इज द कलर, तो वहां भी हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। एक दो पेशेंट में ही कुछ बहुत विशेष मिला था, जो सामान्य रूप से मुझे भी जब मैंने चक्रपाणी में पढ़ा तब मुझे खुद लग रहा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भी मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो गया, डार्क रेड उसका कलर है, और उसके बाद अचानक उसमें वाइटिस फ्लैक्स आने शुरू हो गए, है ना। ऐसा चक्रपाणी ने वातिक योनि व्यापक की टीका में लिखा है, आप पढ़िएगा आज, है ना। तो मैंने सोचा पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मगर सच में कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जहां कलर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज चेंज्ड इन द सेकंड डे थर्ड डे, है ना। तो हमें वहां भी इस हिसाब से हम अगर उसकी चिकित्सा करते हैं तो वहां भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे इसमें हमने क्लोट्स का कहा था, है ना, कि क्लोट्स एब्सेंट है एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट इफ देयर इज अ प्रेजेंट, तो एक तो वो एक्सेसिव अमाउंट बताते हैं, है ना। तो विच वन डे क्लोट्स प्रेजेंट, और फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, जैसे सामान्य रूप से अस्थिरक दर में क्या होता है, पहले दिन इतना नहीं होता, मगर सेकंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, या तो एज पर द सीवियरिटी ऑफ द अस्थिरक दर, बिग क्लोट्स एंड टाइनी क्लोट्स में अलग अलग प्रकार की प्रेजेंस मिलती है। तो हमें वहां क्लोट्स किस प्रकार से मिलेंगे वो भी नोट करना चाहिए, है ना। और बहुत सारी इजीली पास आउट और नॉट, है ना, उस बात पे भी हम वहां उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। स्मेल, है ना, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फाउल स्मेल समटाइम्स, है ना, इन सम पेशेंट्स, जहां पित्त की अधिक दुष्टि रहती है वहां फाउल स्मेल, है ना, ज्यादा हमें देखने को मिलती है, कि साइमल्टेनियसली वो पेशेंट गर्मी उसको सुहाएगी नहीं, उसको कहेंगे कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कहते ठंडी का मौसम अच्छा लगता है, गर्मी में ज्यादा अकड़हट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, है ना, और उसका गौर वर्ण रहेगा, उसको आदतें मिर्ची, अम्ल, कटु, ऐसे आहार विहार लेने की ज्यादा आदत होगी, है ना। जैसे हम उसको, मैं एक सामान्य से ऐसे पूछती हूँ कि भाई जैसे आपके घर पास में अगर गुलाब जामुन भी है, नमकीन भी है, या नमकीन कचौड़ी भी है, आप क्या पहले उठाओगे, है ना। जैसे बहुत सारे पेशेंट जवाब नहीं दे पाते, दोनों खाती हूँ मैं तो, मुझे दोनों पसंद है, नहीं, दो में से एक क्या उठाओगे, है ना। तो तुरंत ही उसमें पता चल जाएगा कि वे उसकी तासीर किस हिसाब से जा रही है, और वहां सबसे ज्यादा कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, ऐसे गुणों वाला भोजन उसको ज्यादा पसंद आता है, और विच वन टाइप ऑफ द स्मेल, फिशी स्मेल है या और कुछ भी है, वो भी हम उसको पूछ के उसमें कर सकते हैं। तो ये यहां तक अपना हो गया कि हम साइकिल में किस तरीके से कौन कौन पॉइंट्स को कितना डिटेल में जाके, है ना। तो अगर हमारी पेशेंट कहती है कि मॉडरेट है, उस पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना ही नहीं है फिर, है ना, ये तो हमने सारे पॉइंट्स कर दिए, किसी में दो तीन मिलेंगे, किसी में एक आध मिलेगा, और इसमें यही सारे पॉइंट्स दो बार पूछने पड़ेंगे, कैसे, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री, है ना, कि भाई विद इन लास्ट 3 मंथ्स ये है हिस्ट्री, है ना, या 2 मंथ से ये हिस्ट्री है, जो अभी हम प्रेजेंट हिस्ट्री लिख रहे हैं, मगर
बिफोर थ्री मंथ्स पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में भी यही सारे पॉइंट्स आएंगे, है ना, यही सारे पॉइंट्स आएंगे। ये लिखने क्यों जरूरी है पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री? हमें कब तक दवाई चलानी है? जब तक वो पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तक वो एस्टेब्लिश हो जाए, है ना। जैसे पहले हमारे पेशेंट ने कहा कि मेरी 3-3.5 दिन या 3-4 दिन आती थी, इतने पैड्स आते थे, है ना, अब उसके 8 दिन तक आती है, तो अब हमें चिकित्सा करनी है। जैसे ही 3-4 पे पहुंचे, फिर हमें सारे उपाय विड्रॉल करते जाने हैं और उसको आहार विहार ऐसे बताने हैं कि विदाउट एनी मेडिसिन भी उसका धातु साम्य बना रहे और वो फिर से बीमार ना हो, है ना। वरना आजकल ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जो ये कहते हैं कि फलाना फलाना डॉक्टर की 4 महीने दवाई ली, मेंसेस बिल्कुल ठीक आए, मगर जैसे ही मेंस दवाई छोड़ी, 1 महीना तो ठीक रहा, 2nd मंथ वही हो गया, है ना। इसलिए फिर अब हम आपके पास आए हैं, है ना। तो मैं पेशेंट को सीधे मुंह ही कहती हूँ कि भाई देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी की अंतिम डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बना सकती हो। वो कहते कैसे मैडम? मैंने कहा भाई निदान परिवर्जन करना पड़ेगा, है ना। जो चीज उसको बनने के लिए कारणभूत है ना, तत्कार्यवाद, कारण कार्य सिद्धांत, है ना, तो कारण को दूर कर दो, कार्य होना बंद हो जाएगा। अच्छा मैडम ऐसा भी होता है, है ना। बहुत सारे पेशेंट उल्टे जवाब भी देते हैं, मैं इसीलिए आयुर्वेद लेती नहीं हूँ, ये ना बहुत सारी चीज हमारी बंद कर देते हैं खाने। मैंने कहा अच्छा तुम खाती रहो और मेरी दवाई लेती रहो, क्योंकि मैं तो सरकारी डॉक्टर हूं, मैंने कहा, है ना, मेरी कोई सैलरी बढ़ती नहीं तेरे ठीक होने से, है ना, तो तुम्हें हमेशा दवाई खानी है, तुम खा सकती हो और तुम निदान परिवर्जन मत करो, है ना, और दवाई खाते रहो, है ना। तो एज पर द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पेशेंट वी मस्ट गिव सम इनपुट्स टू हर, है ना, हमेशा थोड़ी सी बात कुछ कहने की, हमेशा पथ्य के बारे में कहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी साइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और मैंने ये देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में विदाउट गिविंग एनी ड्रग, जस्ट उसके आहार विहार ठीक करके, अगर सीवियरिटी ऊपर कम है ना, सीवियरिटी बहुत कम है, तो हम सिर्फ पथ्य से और आहार विहार से भी उसको ठीक कर देते हैं, है ना। तो इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है, है ना। लोग कब कंसिडर करते हैं पता है? जब उसको इंडोमेट्रोसिस है, जब उसको पहले एक बार ओवेरियल ड्रिलिंग होके बड़ी बड़ी हेमरेजिक सिस्ट को एस्पिरेशन में लिया गया है और अब फिर से बड़ी सिस्ट बन गई है, है ना, फिर वो आपके बिल्कुल शरण में आएगी, है ना, कि भाई तुझे बताओ जी क्या करना है, है ना, हम सारा कुछ करेंगे, क्या छोड़ना है, आज तक क्यों नहीं लोगों ने बताया, है ना। मैंने कहा तुम्हारा रुझान ही नहीं है, वो नहीं, है ना, लोगों ने क्यों नहीं बताया मुझे, डॉक्टर्स ने, यहां तक भी रहेगा मगर वो सीवियरिटी कितनी है, कितने परेशान हो चुके हैं, उसके ऊपर उसका थोड़ा सा आधार रहता है। अब अपना आयुर्वेद पोर्शन सिर्फ इतना बड़ा श्लोक नहीं पढ़ाऊंगी, है ना, बच्चे कई बार डर जाते हैं, अच्छा इतना बड़ा, है ना, ये नहीं करेंगे, सिर्फ अपने से कंसर्न, है ना, वैसे तो सारा अच्छा है मगर जो हम रजस्वलाचर्या के लिए उचित समझ रहे हैं अभी उतना ही पढ़ेंगे, है ना। त्रिरात्रम आसीत, है ना, तो मैंने जब शुरुआत में सबसे पहली बार रजस्वलाचर्या का क्लिनिकल उपयोग करना शुरू किया, है ना, 1990 में मैंने पहली बार पढ़ी थी ये, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा लिखा है, मैंने कहा ये तो ओपीडी में कभी करवाते ही नहीं किसी पेशेंट को, है ना। तो सबसे पहले मैंने खुद करके देखी, मैंने कहा होता क्या है, है ना, देखा है तो बहुत बढ़िया चीज है, है ना। तो त्रिरात्र मासिक, इसीलिए 3 दिन करते हैं, मगर जिन पेशेंट में अस्रिक दर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 7-8 दिन तक प्रोलोंग होता है, उसमें 5 दिन भी करवा सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही दिन में बंद करना है, तो वहां हम पंचरात्रानुबंधी चरक संहिता चिकित्सा शांति 20वें अध्याय में कहा ही है, 5 रात्रि तक भी करवा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, है ना, जैसे ही हम उसको बताते हैं ना कि भी रजस्वलाचर्या आयुर्वेद में बताया गया रेजिम है जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए बताया है, अच्छा क्या क्या करना है, ऐसे पूरा ऐसे, है ना, एंग्जियस है, ऐसे पता नहीं कि अभी मेरा क्या क्या बंद कर देंगे, है ना। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से, है ना, 63 अभी हम लोग से सारे मिलके, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि पहले पेशेंट की कंसेंट लेनी है, डू यू वॉन्ट टू फॉलो द रेजिम, है ना। आज तक मुझे एक पेशेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुंह पे मना कर दिया, मैं तो नहीं करती, है ना। एक दो पेशेंट ऐसे जरूर मिल जाते हैं, अच्छा मैडम क्या क्या फायदा होता है ये बताओ फिर करेंगे,
है ना, आजकल टीवी में इतनी डिबेट कट करके है ना सब बता दिया कि सबका पहले डिसेक्शन करो और पूरा पता चलेगा तो बड़ा फायदेमंद है, तभी करना है ना। आप्त की परिभाषा उन बेचारों को पता नहीं ना, हमें तो पता है कि आप्त क्या है ना, अच्छा क्या क्या है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चीज अभी जो मैं बताऊंगी उसके लिए उनकी कंसेंट लेने हैं, है ना, कि भाई डू यू वॉन्ट टू फॉलो दिस रेजिम, तो हाँ ही बोलेंगे, है ना। तो इससे क्या पता है हमारे कहने का जो एक भाव है ना वो वहां तक उसके दिल तक पहुंचता है, वरना पेशेंट है ना कई बार पीछे वाली बातें भी सोचने लग जाता है कि उसको फोन करना था, उसको देके आना था, वहां जल्दी पहुंचना था, बच्चा स्कूल से आ गया होगा, है ना, हजार बातें चलती है बैकग्राउंड में, तो वो हमारी बात तो ढंग से सुनेगी नहीं, है ना। तो इसलिए पहले उसकी कंसेंट लीजिए कि 3 रात्रि तक और 3 दिन तक, यानी सुबह और 24 घंटे, ऐसे 3 दिन तक आपको एक अलग से रेजिम को फॉलो करना है। आप करना चाहते हैं, वो तुरंत पूछेगी इससे क्या फायदा है। उससे ये फायदा है कि तुम्हारा जो ये माहवारी संबंधी दिक्कतें हैं, है ना, जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट मेंसिस साइकिल की डिस्टर्बेंस के लिए आई नहीं है, वो श्वेत पत्थर के लिए आई है, वो पीसीओडी के लिए आई है, वो इनफर्टिलिटी के लिए आई है, वो प्रोलैप्स के लिए आई है, समझ रहे, देयर आर सो मेनी, दिस इज किसी के लिए आई है वो, है ना। जैसे उसको चाहे हम कुछ भी लगा ले कि भाई वेजाइनल इन्फेक्शन रिकरेंट्स है ना, सर्वाइकल इरोजन रिकरेंस है, कुछ भी है वो हमारे लिए आई है, मगर उसका मेंसिस साइकिल 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, रेगुलर आता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, और हम उसको बता रहे हैं सलाचर्या, है ना। तो उसको लगता है मैडम वो तो ठीक ही है मेरा, है ना। तो वहां हमें ये चीज उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करनी है कि ये प्रिवेंटिव है, कि ये करते रहोगे तो जब तक 40 यानी 40, 42, 45, 47 के आसपास में मेंसिस चली जाती है, अलग अलग थोड़ा वेरिएशन रहता है, कि तब तक मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई व्याधि नहीं होगी। और ये मैं 22 साल बाद बोल रही हूँ, मैं 22 साल से अपने सारे पेशेंट्स को करवाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं खुद करती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। और बाई चांस खुदा न खास्ता कोई रोग हो गया तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, है ना। इतने बड़े बड़े चक्रों में पीआईडी में, एक्यूट पीआईडी में पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, आपकी डिसीज क्रॉनिक पीआईडी में जाएगी नहीं, है ना। तो ये मैं चाहूंगी कि हम सारे लोग, है ना, और खासकर स्टूडेंट्स भी, कि अपने आने वाली प्रैक्टिस में, और अभी जैसे लॉकडाउन खुलता है तब आप अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी आपको रिप्रोडक्टिव एज की महिला मिले, है ना, जिसकी मेंसिस आ रही है, बस उसको जरूर बतानी है ये चीज कि आयुर्वेद में रजस्वलाचर्या बताई है और ये इसे कहते हैं, आप सुनना चाहेंगे, आपको करनी है, है ना, पूछ के फिर उसको बताइए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके और हम आयुर्वेद को कहीं ना कहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरा, कि जैसे ही वो पेशेंट बताती है कि हाँ बताइए, तो उसके पास एक बार रजस्वलाचर्या शब्द बुलवाना है ना, ये मेरी मेथोडोलॉजी है कि पेशेंट एक बार बुलेगी, है ना, कि ये रजस्वलाचर्या है, तो दूसरी बार जब पेशेंट रिपीट में आती है ना फॉलो अप में, तो मैं उसको कहती हूँ अच्छा रजस्वलाचर्या की थी, वो कहते हैं हाँ मैडम की थी, बहुत अच्छा रहा इस बार, तो आपको पता है दूसरे डिपार्टमेंट की टीचर मेरे पास आई थी ओपीडी में, मैडम इसको भी पता है रजस्वलाचर्या, मेरे सारे पेशेंट्स को अवचूर्णन, मात्रा, बस्ती, आस्थापन, रजस्वलाचर्या सारे शब्द जानते हैं। और इसकी प्रेरणा मुझे इस तरीके से मिली कि एक बार राजस्थान की बिल्कुल गांव की पेशेंट इतनी बड़ी नथ पहन के, घरारा पहन के, माथे कॉटन की चुन्नी, और मुझे कह रही है मैडम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में ट्यूब खुली है। मैंने कहा रजस्वलाचर्या क्या दिक्कत है भाई, इतना सुंदर शब्द है, जब ये महिला डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोल सकती है जबकि वो अपना नाम लिखना भी नहीं जानती थी, है ना। तो मैंने कहा इस पैथी को पॉपुलर कराना, लोगों तक उसको पहुंचाना, ये मेरा आपका हम सब का काम है, है ना। तो इसलिए उससे बुलवाना भी एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो हमने शब्द पढ़ा त्रिरात्रम आसित, आसित का अर्थ है रहे, आसित का अर्थ है रहे, है ना। तो रात्रि तक ऐसे मैंने शुरुआत में सबसे पहली स्लाइड में जो बताया था कि एक तो आहार है, एक विहार है, एक मानसिक भाव है, है ना, 3 प्रकार से बताया है। और इसमें मैंने विहार को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है, है ना। जब मैंने शुरुआत में आहार को इंक्लूड किया ना, तब मैं सोच रही थी कि बाद में करूंगी मैं कभी, अगर मैं कर नहीं पाई हूँ, जैसे आप सभी वो विषय जानते हैं कि कंघी नहीं करना, स्नान नहीं करना, अर्पण नहीं करना, है ना, ज्यादा आसना नहीं, जोर से बोलना नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें बताई है कि उससे गर्भ के ऊपर ये प्रभाव आता है ना,
ऐसे तो यहाँ हमारे पास जयपुर में एक डॉक्टर सुशीला शर्मा जी मैडम है, उनके साथ मैंने डिस्कशन भी किया था। मैंने कहा मैम हम तो ये सारी चीज कर रहे हैं तो फिर बच्चे तो ऐसे नहीं पैदा हो रहे, है ना, बच्चे तो नहीं हो रहे ऐसे पैदा। उन्होंने कहा कुष्ठी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो मैंने कहा मैडम ये बात तो बिल्कुल सही है और मिलती नहीं है तो फिर कैसे समझेंगे इस विषय को। तो मैडम ने बहुत अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उनको गुरु भी मानती हूँ। तो सुशीला शर्मा मैडम ने कहा कि इसमें जिस साइकिल में है ना, तब ये चीज नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड है ना, कि जैसे हम एक बार कुछ खा लेंगे है ना, कि दही एक बार खाई और अभिसंधि हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्रमशः उसी निदान का बार बार अनुशीलन करने के बाद वो कंडीशन पैदा होती है ना। तो इसलिए यहाँ ये चीज भी है, इसलिए ये मैक्सिमम अपर एक्सटेंट की बात लिख रखी है ना। तो मुझे मैडम का लॉजिक और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार मैडम बिल्कुल सही कह रही है ना, कि उस एक्सटेंट तक की सीवियरिटी है ना उस पेशेंट्स में नहीं मिल रही है ना। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि चक्रपाणि की कॉमेंट्री में जो बात बताई है वो मैंने मिली नहीं मुझे कहीं, जो कलर के विषय में मैंने बताया कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का कलर आने के बाद, डार्क रेड आने के बाद दूसरे तीसरे दिन दूसरे वर्ण का स्त्राव कैसे हो सकता है ना। तो जैसे पढ़ के भी ऐसे ही लग रहा था कि नहीं नहीं पता नहीं क्या है ना, चलो याद रख लो ऐसा होता होगा उस जमाने में, आज नहीं हो रहा है, ऐसा करके हमने याद रखा था। अधः शायिनी है ना, एक वो अर्थ बहुत अच्छा है, विहार जन्य भावे, भूमि पर सोने के लिए कहा है। हालांकि इसके लिए कुछ पेशेंट्स मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, है ना। तो बस उसको जस्ट आपको बताना है एक बार, है ना, कि अगर पॉसिबिलिटी है। और नहीं बहुत ज्यादा यहाँ जयपुर में अच्छा ट्रेडिशनल एटमॉस्फियर भी है, तो बहुत सारी महिलाएं उन दिनों में पूजा घर में नहीं जाना, नीचे ही सोना, ऐसे कुछ बातों का अनुशीलन भी करती है। नेक्स्ट, बाकी का कुछ भी नहीं समझेंगे, भोजनिम हविष्य, है ना। एक ही बात जो हमने रजस्वलाचर्या के साथ साथ वाली है उसी को ले रहे हैं हम, कि हविष्य भोजन के रूप में लेना चाहिए। देखिए हविष्य क्या कहते हैं, हविष्य किसे कहते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब आहुति देते हैं जिसको बोलते हैं समिधा, है ना, तो समिधा ओम स्वाहा करके उसमें घी डालेंगे, समिधा डालेंगे, तो जो समिधा है उसको हविष्य बोलते हैं। यानी अग्नि में, यज्ञ में डालने योग्य जो चीज है वो हविष्य है, है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो जठराग्नि रूपी अग्नि है ना, उसमें डालने के लिए क्या है, तो हविष्य के ऊपर अगर दलहन की टीका अगर हम देखें, है ना, तो जिसमें बताया गया है हविष्यम सघृत घी के साथ साल्योदनादि, है ना, यानी घी के साथ शाली चावल और क्षीरम संस्कृतम यवान्नम, है ना। यहाँ मैंने इसको संधि विच्छेद करके भी लिख रखा है आपके साथ, आपके लिए, कि घी के साथ शाली चावल, घी के साथ शाली चावल और क्षीरम संस्कृतम यवान्नम, है ना। यव आप सब जानते हैं बार्ली, जौ और क्षीर में पकाए हुए, यानी खीर बनानी है, पायसम, है ना, खीर बनानी है उसकी, तो खीर में संस्कृत मानी पकाना, ऐसे जौ यानी जौ का दलिया, जौ की गुली मिलती है इसके ऊपर से। यहाँ राजस्थान में तो बहुत अच्छा ट्रेडिशनल एटमोस्फियर है जयपुर में, और बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें, है ना, अलग अलग प्रकार की जो मिश्री होती है ना, आपको 10 प्रकार की मिश्री जयपुर में मिल जाएगी, है ना, और उसके गुण अलग अलग है ना। तो यहाँ के लोग बहुत कम चीनी खाते हैं, मिश्री ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ ये सारी चीज मिल जाती है। तो क्षीर संस्कृतम यवान्नम, है ना, जौ के दलिये की खीर, समझ रहे हैं कि हविष्य के रूप में दलहन ने बताया, क्योंकि चरक ने भोजन बताया ही नहीं है, कैसे खाना वो तो जरूर बताया, सुश्रुत हमने उठा ली, सुश्रुत ने हविष्य बताया, हविष्य समझने के लिए टीका लेनी पड़ी, टीका में कहा कि घी के साथ साली चावल और जौ के दलिये की खीर, है ना। बहुत सारे पेशेंट जौ के दलिये की खीर यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं, जौ की राबड़ी भी यहाँ ज्यादा पसंद की जाती है ना, तो जौ यहाँ आराम से हर एक घर में मिल जाता है। दूसरा, राजस्थान में, जयपुर में खासकर लोग चावल नहीं पसंद करते इतने, है ना, तो यहाँ मैं जब बताती हूँ तो जौ का ही ज्यादा बताती हूँ, मगर जो यहाँ जयपुर में रहने वाले पंजाबी और सिंधी फैमिलीज है ना, उनको चावल बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो लोग चावल खा लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई जिसको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। और यहाँ सबसे लास्ट में आप शब्द देख रहे हैं यवान्नम इति एके, एके शब्द से यहाँ ये लिया जाता है कि दलहन के समय में एक और चिकित्सा संप्रदाय प्रचलित था जो क्षीरम संस्कृतम यवान्नम बताता था,
और जिसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, और दलहन को ये लिखना भी उचित लगा, है ना। एके मानी ये दलहन का मत नहीं है, है ना, दलहन नहीं मानता है इसे, है ना, वो और किसी चिकित्सा संप्रदाय का है, है ना। और सच में श्री संस्कृतम यवानम का बहुत अच्छा रोल है, और राजस्थान में चावल कम पसंद होने के कारण वो ज्यादा अच्छा तरीके से लोग लेते भी है इसको। हमने यहाँ जो सबसे पहले बताया था आपको कि हम आहार को ही ले रहे हैं, है ना, तो इसमें भी हम आहार की बात करेंगे। क्षयरेयम यावकम स्तोकम, है ना। और देखिए अष्टांग हृदय ने इससे थोड़ा सा आगे बताया, कोष्ठ शोधन कर्षणम, ये क्यों खा रहे हम। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आचार्य ने ये चीज क्यों बताई, है ना, या शालिओदन इन्होंने नहीं बताया है अपने अपने एरिया के अनुसार, है ना। तो दूध में पकाए हुए जौ स्तोकम, देखो मात्रा बताई है उन्होंने, ये अल्प खाना है, बहुत ठूस ठूस के नहीं खाना है, अधिक मात्रा में नहीं खाना है। अधिक मात्रा में बहुत सारे आचार्य आप सब जानते ही हो बताया है कि त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, और त्रिदोष को हैंडल करना काफी मुश्किल रहता है, है ना। तो स्तोकम, है ना, तो ये भी पेशेंट को बताने वाली बात है कि भाई जैसे कोई ऑफिस जाती है ना, मैंने कहा तू दो टिफिन ले जाना, तीन चार घंटे में भूख लगती है तो तूने बनाया हुआ है फिर से खा लिया थोड़ा सा, 8-10 चम्मच खाने में कितना समय लगता है, दो टिफिन लेके जाओ, मगर एक साथ में ज्यादा पेट भर के मत खाओ, घर में है तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भोजन है कार्य क्या करता है, कोष्ठ का शोधन करता है और शरीर का कर्षण करता है, है ना। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी थोड़े समय पहले मनुस्मृति पढ़ी थी, याज्ञवल्क्य की स्तुति, उसमें भी लिख रखा है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है और उससे रजस्वलाक्रिया नहीं हुई, है ना, करनी ही है मगर नहीं हुई, अब प्रेगनेंसी प्लान उसी महीने में करनी है, तो उन्होंने बताया है कि मेंसेस कंप्लीट होने के बाद 11वें दिन तक भी शरीर को कर्षण करने वाला भोजन लीजिए, है ना, क्योंकि वरना चरक ने सुश्रुत ने सबने कहा कि उसके बाद तो आप सामान्य भोजन जो भी आपके ट्रेंड के अनुसार, विस्तार के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, स्टेट के अनुसार चलता है वो लेना शुरू कर दीजिए। मगर यहाँ उन्होंने स्मृति ग्रंथों में बता रखा है कि अगर बाय चांस रजस्वलाचर्या न हो सके, कोष्ठ का शोधन और कर्षण आपसे रह गया और आप फिर भी चाहते हैं कि इसी महीने में हमारी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो कोष्ठ का शोधन और कर्षण करने वाला आहार 4th-5th दिन से लेकर 11th दिन तक फिर से लेने की उन्होंने एक बार गुजारिश की है, एडवाइस दी है। थोड़ा सा इसमें और आगे अष्टांग संग्रहकार ने लिख दिया, वृत्तवाग्भट ने क्या लिखा, पहली लाइन तो वही है, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवणानि वर्जयेत, क्या खाना वो तो बता दिया, अब क्या नहीं खाना है ना। अब देखिए कि क्रमशः हरेक व्यक्ति ने उसमें ऐड करने की कोशिश की है, है ना, और हम उसको फॉलो तक नहीं कर पाते, ऐड करना तो पता नहीं, मुझे तो मेरे बलबूते की तो बात ही नहीं लगती है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर इस आर्ष संहिताओं को हम फॉलो भी कर देना तो उनके किए हुए काम को हम रेकग्नाइज कर देंगे कि नहीं भाई हाँ है, वो सभी को वर्जन करो, है ना। जैसे बहुत सारे पेशेंट को जैसे ही कहेंगे ना कि घी के साथ साली चावल खाने हैं, जौ के दलिये की खीर खानी है, अच्छा बस यही खाना है, मैंने कहा हाँ जी यही खाना है, और कुछ नहीं खा सकते, थोड़े नमकीन चावल बना लो, मैंने कहा नहीं नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, अरे मैडम मेरे को तो नमक ना मिले मेरा तो लो बीपी हो जाता है, मैंने कहा अच्छा मैं चल सेंधा नमक डाल के, सेंधा नमक त्रिदोषामक है ना, जब आचार्यों ने हमें आज्ञा दे दी कि त्रिदोषामक चीजें लेनी है और नमक तो लेना नहीं है, लवण बिल्कुल मना कर दिया, मगर ये चीज पेशेंट को बिल्कुल क्लैरिफाई करनी है कि देख आचार्य ने नहीं बताया, ये तेरी मजबूरी है कि मैं तो खा लूं, क्योंकि पता है कल को जो फायदा नहीं होता ना हमारा सिर खा जाती है, मैडम ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाउ मैनी पॉइंट्स आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, मैंने किस किस जगह कॉम्प्रोमाइज किया या करवाया, उसको समझ में पहले ही आना चाहिए। और आपको पता है इससे पेशेंट्स को अच्छी बातें अनुसरण करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं देख इतना फायदा हो गया ना, अगर शायद नमक नहीं खाया होता तो पूरा हो जाता, है ना। तो हमेशा पूरी पूरा सत्य ही बताना चाहिए। तो यहाँ मिर्च मसाले सब्जी और दाल सब कुछ मना हो गया, ये ऑल ओवर ब्रीफ है कि रजस्वलाचर्या पहले दिन से लेकर 3 दिन तक का खान पान बताती है, सामान्य खान पान को छोड़कर, है ना। ये शब्द बोलना बड़ा जरूरी है क्योंकि कई बार वरना पेशेंट्स
क्या करती है पता है, सब्जी रोटी दाल चावल सब खाएगी और लास्ट में है ना कटोरा भर के खीर भी खा जाएगी। तो कहाँ कर्षण हुआ और कहाँ शोधन हुआ? अच्छा ये अकेले खा जाता है, फिर आके दूसरी बार हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगी, है ना। तो भाई नहीं, ये सामान्य खान पान को छोड़कर यही खाना है ना, चावल जौ दूध घी मिश्री। मैंने इसलिए लिखा है कि चरक संहिता सूत्र स्थान में सीता मिश्री नित्य सेवनीय बताई है। और कई बार घी और चावल पता है महिला से खाए नहीं जाते, वो कहते हैं वो थोड़े से फीके लगते हैं। मैंने कहा बेटा ज्यादा चबा ले, मीठे होते हैं चावल, कार्बोहाइड्रेट है। नहीं मैडम फीके लगते हैं। मैंने कहा डाल थोड़ी सी मिश्री डाल इसमें, है ना। तो फिर मिश्री नित्य सेवनीय है, त्रिदोष शामक है, रस गुणीय वीर्य विपाक उसके सारे दूध घी और इन सब के जैसे हैं, कहीं भी उष्णता तीक्ष्णता नहीं है। उन चीजों का ध्यान रख के हमने वहां मिश्री मैंने ऐड कर रखी है ना, कि चलो ठीक है डाल लेकर डाल लिया कर थोड़ा सा। यानी हमारे पास कितने चीज हो गई, जौ की खीर या तो चावल की खीर या दूध चावल या घी बुरा चावल या जौ की रोटी दूध के साथ, मगर उसके ऊपर अच्छी तरह घी लगाना है। जौ वृक्ष है, अभी हम आगे उसके गुण देखेंगे, जौ वृक्ष है, है ना। तो इसलिए हमें वहां क्षीर संस्कृतम यवानम बताया है ना, कि दूध में रही हुई स्निग्धता से जौ की वृक्षता डिलीट हो जाए, है ना। तो वहां हमें उसका गुणांतराधानम संस्कार से उसका गुण का अभिवर्तन, गलत चीज का शमन, ऐसे करके बताया है। और चावल और घी खा सकते हैं और मीठे फल लिए जा सकते हैं, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल लवणानिवर्जय, है ना। यानी अनार ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, केला, जो जो भी मीठे फल है ना। कई बार पेशेंट पूछ भी लेते हैं मैडम मीठे फल कौन से होते हैं, मैंने कहा दूध में उबाल दे बेटा, दूध फट जाए तो वो खट्टा है भाई, है ना। अच्छा यूं ठीक है ना, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है तो भी एक बहुत अच्छी है, हमारी पेशेंट के साथ ट्यूनिंग आगे हो जाती है। अभी हमने दोनों चीज जान ली जिसका हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देखना चाहते थे, कि उसका बेसिक्स हमारे पास दोनों का है ना, रजस्वलाचर्या क्या है, और अब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम किन किन पॉइंट्स पे उसका इफेक्ट देखेंगे, है ना। कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या क्लिनिकल यूटिलिटी या क्लिनिकली हमें क्या क्या चीजों में आराम मिलेगा, है ना, किन किन चीजों में। तो आप देखिए कि एक पेशेंट अगर हमारे पास आई कि मुझे तो बहुत ज्यादा डिसमेनोरिया है, कष्टार्थव है ना, मगर वो मेंसिस के 15वें दिन आ गई हमारे पास, 15वें 16वें दिन, तो हम उसको कुछ ना कुछ दवाई देंगे जो डिसमेनोरिया में काम आती है। और फिर जब उसकी मेंसिस आएगी तब उसके लिए हमने रजस्वलाचर्या बता दिया। तो वी कांट जज द रिजल्ट, समझ रहे हैं आप, कि हमने दूसरी चीज भी तो दे रखी है। तो मैं उन पेशेंट की बात कर रही हूं कि जो पेशेंट बाय चांस मेरे पास मेंसिस के एक दिन पहले आए या मेंसिस के दिन ही आए कि आज मेरी मेंसिस आएगी और मुझे तो बहुत आती है, मुझे तो बहुत दर्द होता है, मुझे ये होता है वो होता है, जो भी सारे पॉइंट, मैं उन पेशेंट्स के रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि एथिकली हमें कुछ भी अपना शास्त्र प्रूव करने के लिए भी गलत नहीं करना चाहिए, है ना। कि पेशेंट तो हमारे पास 18वें दिन आ गई, 20वें दिन आ गई, 10वें दिन आ गई, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, वो हमें भगवान मानते हैं, हमारी हर बात को आप्त की तरह कंसिडर करते हैं और हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो एथिकली मैंने कुछ भी इसमें गलत नहीं किया, उन पेशेंट पे स्टडी की, है ना। बतानी सबको है ना, फिर ऐसे नहीं सोचना कि कितना तो रजस्वलाचर्या ने किया होगा, कितना औषध ने किया होगा, है ना। मगर आप भी अपनी प्रैक्टिस में ये चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आपको मौका मिले, है ना, कि जब वो पहले दिन एक दिन प्रीवियस आती है, तब यही सारे पॉइंट्स पे क्या इफेक्ट आता है रजस्वलाचर्या का। जैसे पेन, पहला इफेक्ट लेते हैं, है ना। आपको पता है बहुत सारे पेशेंट्स जो खासकर स्टूडेंट एज वाले हैं इसमें, कि शी इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, और सी इज एब्सोल्युटली 100% ऑल राइट आफ्टर फॉलोइंग द रजस्वलाचर्या, है ना। बाय चांस वो मेरे पास आई, मैडम टुडे इज द फर्स्ट डे, व्हाट टू डू, है ना। तो मेफ्टाल स्पाज़म और जो जो भी देते हैं ना एनाल्जेसिक, और इसका बाप है ये, है ना, वो सारी कहीं दूर पड़ी रहेगी औषधियां, है ना। अच्छा किस में रिजल्ट नहीं मिलता, है ना, जहां कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है ना, पेशेंट इज टू कॉन्स्टिपेटेड, तो फिर आपको कुछ औषध भी देनी पड़ेगी, जैसे एरेंड प्रिस्टरी तक, है ना। अगर अपान वायु का अनुलोमन, आपको सबको पता है कि अपान का कार्य है गर्भ, आर्तव, पुरीष, मूत्र, शक्र, है ना।
ये सारी चीजों का निर्धारण करना, निकालना, ये सारा अपान वायु का कार्य है। तो अपान वायु के इस कार्य में जहां मूत्र पुरुष, मूत्र का वेग तो लगभग ठीक रहता है, उसमें डिस्यूरिया बहुत कम मिलता है, मगर कॉन्स्टिपेशन रहता है, अनसेटिस्फैक्ट्री बॉबल मूवमेंट मिलती है। पुरुष साम होता है ना, यानी आम युक्त होता है, तो वहां हमें रजस्वराचर्या का पहले ही साइकिल में पहले ही दिन रिजल्ट 50-60% मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, वेरिएशन हो भी सकता है 30% भी मिले, है ना, एज पर द सीवियरिटी ऑफ द वायु प्रोवोकेशन, है ना, कि वायु की प्रोवोकेशन कितनी हुई है, है ना, उसके अनुसार वहां पेन में रहेगा। मगर ऐसे भी पेशेंट है कि जहां 100% रिजल्ट पेन रिलीफ मिलता है, है ना। बहुत सारे पेशेंट सुबह एक एनाल्जेसिक, शाम को एक एनाल्जेसिक, मैडम पता नहीं क्या क्या नाम नाम बताते रहते हैं, ये लेनी पड़ती है, और लास्ट 3 साल से ले रहे हैं, लास्ट 5 साल से ले रहे हैं, अच्छा डॉक्टर ने ऐसे कहा था कि पहले ही डिलीवरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, फिर नहीं होगा, स्टिल इतना ही होता है। रजस्वलाचर्या करवा के देखा, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, है ना। और ऐसे पेशेंट्स में भी कि जहां दूसरी चीजों से रिजल्ट नहीं है, यहां बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो पेन में हमें वो चीज यहाँ कंसिडर करनी है कि उसकी अग्नि कैसी है, है ना। अग्निमान जब बहुत ज्यादा है तो उसको साथ में हेल्प कर दीजिए, है ना, जैसे दाढ़ी मास्टर जैसा बहुत मृदु दीपन पाचन दे दिया, है ना। अगर पेशेंट को ज्यादा अग्निमानद्य है और पेशेंट का स्केंटी फ्लो है, है ना, नॉर्मल अमाउंट नहीं आता कि ऑल ओवर पूरे दिन में एक ही पेड चेंज करना पड़ता है, तो उसको अजमोद आदि दे दीजिए। अजमोद आदि 3 ग्राम पोषण जल से भोजन पूर्व एक आध घंटा दे दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, है ना। और इसके साथ रजस्वलाचर्या करवा दीजिए, है ना। तो वहां अग्निमानद्य का भी साथ में हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और अकेला उसमें करे, अगर जैसे भी उसकी अग्नि ठीक ही थी, है ना, तो बिल्कुल पेन रिलीफ बहुत अच्छा वहां मिलेगा हमें। अमाउंट, जैसे पहले पेशेंट यूं बताती है कि मुझे अस्रिग्धर है, बाय चांस वो पेशेंट बिल्कुल एंड मौके पे आई है कि आज ही मेरा पहला दिन है या कल मेरी तो आने वाली है, बिल्कुल रेगुलर है, और देयर इज अ हैवी अमाउंट, फ्लो इज हैवी, है ना, जस्ट गो फॉर द रजस्वलाचर्या, है ना। रजस्वलाचर्या करने से जो पहले मेंसिस के फर्स्ट डे 6 पैड्स बदलने पड़ते थे, वहां सीधे 4 हो जाएंगे, 2 से 3 पैड विदाउट एनी मेडिसिन कम होते हैं, है ना। तो शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम एंड फ्लो को बहुत अच्छी तरह से ये कवर करता है। अमाउंट कम होती है तो डेफिनेटली बिग क्लोट्स है तो टाइनी क्लोट्स में कन्वर्ट होते हैं, बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टाइनी क्लोट्स देन वो नील हो जाते हैं, है ना। और अगर पेरीमेनोपोज है, इंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है, है ना, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया है, वहां रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा, है ना, वो थोड़ा सा अलग प्रकार की चिकित्सा उसमें हमें करनी पड़ेगी। मगर रजस्वलाचर्या उसमें भी करवानी है, जिससे, है ना, भी जैसे होता है ना, क्योंकि काम बड़ा फैला हुआ है तो 10 लोगों को लगा दो, 10 क्यों 20 को लगा दो, तो कहीं कुछ 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 परसेंट सारे मिलके हम 100 कर देंगे, है ना। तो करवानी जरूर है, मगर आप सोचेंगे कि अच्छा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया में मैडम तो कह रही थी, तो इसमें नहीं मिलेगा, है ना। देर इज इफ देर इज ए बिग यूट्राइन फाइब्रॉइड, है ना, बहुत बड़ा 3.5 सेंटीमीटर की यूट्रस में गांठ हो रही है, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आपके भाई, वहां यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसकी भी तो दवाई चलेगी, है ना। और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फर्स्ट डे नहीं मिलेगा, है ना, ऑल ओवर द मंथ दवाई चलेगी, और फिर साथ में रजस्वलाचर्या मिलेगी, साथ में हम फॉलो करेंगे तब जाके मिलेगा वो, है ना। तो इसलिए हमें और अन्य कंडीशन है वहां करवानी तो है, मगर हम जो नॉर्मल कंडीशन में जिसका हम आकलन करते हैं कि यार इतना मिलना चाहिए, वो वहां नहीं हो जाएगा, है ना। क्लोट्स में मैंने आपको बता ही दिया कि बिग टाइनी, टाइनी नील, है ना, ऐसे कन्वर्ट होके वो कम होते जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोट्स है, है ना, तो और हैवी ब्लीडिंग है, पेरीमेनोपोजल ब्लीडिंग है, या ड्यू टू एनी अदर रीजन देयर इज ए प्रोलॉन्ग पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, है ना, 10-12 दिन आती है, तो उन पेशेंट्स में क्या करना चाहिए कि एक टाइम 3-4 दिन के बाद नॉर्मल भोजन करवा दीजिए, और एक टाइम में वो कोई ना कोई खीर, दूध चावल या जौ के दलिया की खीर ऐसा कुछ ले ले, है ना। तो आपका 50% रजस्वलाचर्या फॉलो हो गई ना,
तो वो जैसे ही वो 12 दिन तक मेंसेस आती थी ना, वो 8 दिन में खत्म हो जाती है ना, क्योंकि पता है 8 दिन तक वो महिला परेशान हो जाती है घी चावल खा के, घी बुरा चावल खा के, है ना। तो इसलिए वहां हमने 50% वाला क्राइटेरिया रखा है ऐसे, क्योंकि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, एक बार तो तुम ये खा लो, मगर उसमें ज्यादा मिर्च मसाले, जैसे राजस्थान में टपोरे की सब्जी, टपोरे माने मिर्ची काट के उसी की सब्जी बहुत चलती है ना, हम मना करते हैं। तो आपको अपने एरिया के ट्रेंड के अनुसार क्या उष्ण तीक्ष्ण है ना, जैसे मैं गुजराती हूँ, मुझे तो पता नहीं था राजस्थान में क्या क्या चलता है, तो पहले यहाँ का रहन सहन खान पान सब कुछ हमें ध्यान में करना पड़ा कि अच्छा ये चीज है, ओके चरक ने क्या बताया उसके बारे में, है ना। तो उसको हम जानकारी में रख के फिर किसी बात को हम एडवाइस करेंगे, है ना। तो यहाँ हमें उन चीजों का साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। और स्मेल, स्मेल में पित्तज विकृति बहुत ज्यादा है तो स्मेल में आराम नहीं आएगा, है ना। हरित संहिता के अनुसार आर्तव दुष्टि में दुर्गंधित आर्तव दुष्टि, है ना, बहुत अच्छी चिकित्सा है, योग तो मुझे पूरा याद नहीं, आप देखिएगा हरित संहिता, है ना। तो वो भी ऐसा भी कुछ साथ में चलेगा, है ना, अकेली रजस्वलाचर्या से पित्त में इतना ज्यादा सीवियरिटी में पित्त दुष्टि में आराम नहीं आता है, बिल्कुल मामूली सी स्मेल है तो वो ठीक हो सकती है, है ना। कलर, है ना, कलर में जैसे ही अमाउंट कम होता है ना, मैंने जैसे ही बताया कि डार्क रेड इज ए नॉर्मल कलर बट ब्राइट रेड इज ए हैवी इंडिकेशन, तो वहां कलर में भी शुद्धता आती है, मगर टोटली ब्लैक वर्ण है, टोटली आर्तव दृष्टि वायु है ना, तो एक बार की रजस्वलाचर्या में नहीं आएगी, साइमल्टेनियसली कुछ समय तक जैसे गंभारी और मुदकपर्णी, है ना, गंभारी छाल और मुदकपर्णी का क्षीरपाक, अष्टांग संग्रह का रुद्रभागवत ने बहुत अच्छा बताया, है ना, पूरे महीने पर वो दे दीजिए और उसमें देखिए कलर में 1 से 1.5 महीने में 100% चाहे कितनी भी सीवियरिटी हो, है ना, ठीक हो जाता है वो, बिल्कुल डार्क रेड से अपने नॉर्मल डार्क ब्लैक से डार्क रेड कलर में आ जाता है ना। तो वहां हमें कलर्स में अकेले रजस्वलाचर्या से इतना करेक्शन या रिलीफ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मूड डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, बॉडी एक, बॉडी की हैवीनेस, है ना, शरीर में, हम सभी जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन फेज इज ए वाटर रिटेंशन फेज, बहुत सारी महिलाओं में, है ना, जो बुक्स में लिखा है उसके अनुसार 1/2 किलो से लेकर 2 किलो तक वजन बढ़ जाता है, है ना। तो उस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन के वाटर रिटेंशन फेज में, है ना, अगर वहां प्रीमेंसल सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स है ना, तो ये सारे उसमें, क्योंकि हम रजस्वलाचर्या हमारे पास पहली बार आई है, है ना, तो हम तभी करवाएंगे, है ना, तो ये फेज थोड़ा पहले के उसमें चला जाता है, तो इस महीने करी है और फिर थ्रू आउट द मंथ आहार मात्रा पुनरपि अग्नि बलापेक्षिणी, बस इस सूत्र का ध्यान रखिए, है ना। वैसे इस सूत्र का ध्यान हर एक प्रकार के पेशेंट में रखना चाहिए कि जैसे भी कोई भी आहार लिया जाता है तो उसमें कितनी अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर कितनी है, है ना, उसके अनुसार ही भोजन लिया जाना चाहिए, तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है, है ना। तो फिर वो दूसरे महीने में जैसे उसको मेंसेस के 5 दिन पहले से जो भी डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती थी, चाहे नोसिया, चाहे वोमिटिंग, चाहे हैवीनेस, चाहे डिस्टर्बेंस इन द मूड, है ना, लेबाइल मूड, अचानक मूड खराब हो जाना, अचानक गुस्सा आ जाना, सारी चीज खत्म हो जाती है, है ना। तो 1 महीने की रजस्वलाचर्या का पालन एंड सेकंड मंथ में विदाउट एनी मेडिसिन जस्ट गो फॉर द आहार मात्रा अग्नि बलापेक्षिणी, बस ये 2 चीजों का अगर ध्यान रखा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और बहुत सारे मरीजों को मैं आपको कहूंगी कि आपको पता है उसको साइंटिफिक वे से बताने की जरूरत है, है ना, कि भाई पेशेंट से कैसे बात करनी, है ना। जैसे मेरी एक पेशेंट को जैसे मैंने कहा, है ना, तो उसने कहा कि मैडम मेरे को तो भूख ही नहीं लगती, है ना, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, है ना, जैसे हम रजस्वलाचर्या बताने के लिए कोशिश कर, मुझे तो भूख ही नहीं लगती। मैंने कहा बहुत अच्छा, नहीं लगती, मैंने कहा डिब्बे खाली करोगी हमारे घर के, है ना। तो पता है एक बिल्कुल जॉली मूड और ऐसे सारे पीजी स्कॉलर भी हंस रहे, हम भी हंस रहे और पेशेंट भी, है ना। तो फिर मैंने कहा देख बच्चे, बुरा मत मानना, पूरे दिन भर लोगों के दुख दर्द सुन सुन के हमारा भी, है ना, दिल बिल्कुल संकुचित हो जाता है। देखो व्यक्ति की क्षमता होती है ना, कितने लोगों का रोना सुनेगा, फिर हमें तो हंसने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भाई रोगी तो दुखी होके आता है तो हम कैसे उसके ऊपर हंस सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा तुम्हारी भूख नहीं लगने की कोई समस्या थोड़ी होती है, छोटी मोटी बात है, इसलिए हम उसके ऊपर सारे मिलके हंस रहे हैं,
है ना, कहते नहीं नहीं मैडम आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, मैं समझ रही हूँ। एक पेशेंट के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बनती है, तभी की तभी बनती है, पेशेंट खुल के अपनी बातें भी बताती है ना। पेशेंट को हमें मिलने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा डॉक्टर मैंने नहीं देखा भाई, है ना, और दूसरी बार मेरे घर में या मुझे जरूरत पड़े तो मुझे आना इधर ही है ना। तो वो इमेज हम आयुर्वेद के इन्हीं बातों को साथ रख के बहुत अच्छी तरह से देते हैं, है ना, और आपको भी देनी चाहिए, है ना, तभी आयुर्वेद बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, है ना। हमारा हॉस्पिटल चाहे उसको दूर भी पड़े और 100 रुपया किराया भी लग जाए, वो आएगी हमारे पास, है ना, क्योंकि हमारी बातों में जो उसको सांत्वना मिलती है, जो उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड मिलता है, जो उसको करेक्शन मिलती है ना, तो वो और जगह नहीं मिल पाएगी इतनी, है ना। तो यहाँ हम बहुत सारे ऐसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाली बातों को भी यहाँ साथ में समझ सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए इसको किया था कि घृत है ना बहुत सारे सहस्त्र कर्मों को कर सकता है, ये आपने पढ़ा ही होगा चरक सूत्र 27 के, ये चरक सूत्र स्थान 27 के ही सारे रेफरेंस लिए हैं मैंने, है ना, कि बहुत अच्छा है ये, सर्वस्नेहोत्तम है ना, और अगर उसको मधुर रस और मधुर विपाक से वो बहुत सारे कामों को करने वाला है ना। इसी तरीके से रक्तशाली आप देख सकते हैं त्रिमलाप है ना, ये तीनों प्रकार के मल मानी यहाँ दोष है, मगर दोषों ने अपना प्राकृत कार्य छोड़ दिया है मलिनी करात मलहा, है ना, जो आपने फिजियोलॉजी में मल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वो शरीर और शरीर की धातु और स्रोत उसको दूषित करने का काम कर रहे हैं, अब इसीलिए उसको मल लिखा है ना। यहाँ जो रक्तशाली एक तो वर है, उत्तम है ना, जितने प्रकार के चावल बहुत सारे बताए उसमें रक्तशाली सबसे उत्तम है, तृष्णाग्न है ना, और साथ में त्रिमलाप है ना, तीनों प्रकार के दोषों को शमन करने वाला है ना, हरण करने वाला है, हटाने वाला है, तो बहुत अच्छी ये गुण है रक्तशाली का, है ना। और रक्तशाली लगभग 80 रुपये से 100 रुपये किलो यहाँ राजस्थान में मिलता है ना, तो अपने वहां भी मिल जाना चाहिए, बल्कि एक अपना कोई पंसारी डिसाइड कर लो, है ना, कि भाई यहाँ हम है ना बढ़िया वाले रक्तशाली मिल जाते हैं, तो यहाँ भी जयपुर में भी बहुत सारे पंसारी है ना, तो वहां ये 4-5 दुकानें भी किसी भी दुकान से लो और बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, तो रक्तशाली यहाँ बहुत अच्छे रहेंगे। जो आप सब जानते ही हैं, फिर भी देखो मैं एक बार बता दूं कि वृक्ष है ना, इसलिए क्षीर संस्कृतम बताया, तो दूध में रही हुई स्निग्धता उसकी वृक्षता को डिलीट कर देगी, है ना, तो यहाँ भी इसको जौ को भी बहुत अच्छा बताया, दुग्धम स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम, है ना, सारे गुण आप जानते हैं, 10 गुणम पयः, ये सारे 10 गुण होते हैं, चरक सूत्र 27 का श्लोक है ना, तदेव गुणम ओजह, है ना, एव ओजह, उसके गुण ओज के गुण के बराबर है, ओज में जो 10 गुण है वो ही गोदुग्ध के भी गुण है, सामान्यात अभिवर्धयेत, इसीलिए गोदुग्ध ओज का अभिवर्धन करता है। प्रवरम ये भी बहुत श्रेष्ठ बताया, जीवनिया नाम जीवनिया चीजों में बिल्कुल प्रवर बताया, बहुत अच्छी चीज बताई, और रसायन भी है ना, और दी बेस्ट रसायन भी है। तो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स नहीं है, जो प्रैक्टिस में है, उन्होंने पूरी चरक पढ़ रखी है, तो आप देखिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान में जितने भी रसायन बताए, रसायन के दौरान या रसायन की डोज लेने के बाद पहला भोजन बताया है दूध चावल, दूध चावल, देखिए आप कोई भी हरी तक्या नाम चूर्णानी सैंधव आम लके गुड़म, है ना, कि कोई भी प्रकार का रसायन देना है तो ये वाला चूर्ण है वो 7 दिन 3 दिन या 5 दिन उष्ण अंबुना देके साथ में भोजन क्या करना है, जौ को दूध के साथ, जौ को घी के साथ। तो जितने भी बाकी के भी जो रसायन है, रसायन सेवन के दौरान त्रिदोष शामक भोजन होना चाहिए, है ना, जिससे उस रसायन के गुणों का आदान बहुत शरीर में स्थिर रह पाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि भाई एक रसायन भोजन है जो तीनों दोषों को बिल्कुल प्रकोपित नहीं करता और बहुत ही अच्छा रहता है। एक बहुत अच्छी मुझे क्लिप मिली थी यहाँ, मैंने सोचा चलो बच्चों को बता देते हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये कटिंग है, प्लेसिबो प्रूव्स सो पावरफुल, है ना, प्लेसिबो आप सबको पता ही होगा, मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता देती हूँ मैं, प्लेसिबो एडमिंस के अंदर दवाई नहीं है, मगर हमने पेशेंट को कह रखा है कि अंदर दवाई है,
है ना, बिल्कुल खाली कैप्सूल है या आटे का कैप्सूल है, कच्चा गेहूं का आटा, अगर उसको हम कहते हैं कि देखो इसको 50 रुपए की एक कैप्सूल है ना, ऐसा करके पूरा एक एनवायरमेंट किया है, हम उसके जीवा परीक्षण करते हैं, उसका बीपी 2 बार लेते हैं, 4 बार पल्स लेते हैं इसका, है ना, ऐसे हॉस्पिटलाइज करके रखते हैं और हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया दवाई है, इट विल क्योर अप दिस जो भी है, है ना। तो प्लेसिबो प्रूव सो पावरफुल, है ना, दिया कुछ नहीं है, यू हैव मैनेज द एटमोस्फियर, यू हैव क्रिएट द एटमोस्फियर, है ना। तो उससे भी पेशेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, इवन एक्सपर्ट्स आर सरप्राइज्ड, है ना, एंड देन एंथुजियाज्म ऑफ डॉक्टर कैन गिव पिल एक्स्ट्रा किक। देयरफॉर सो हमारा काम है बी एंथुजियास्टिक, है ना, हमेशा चिकित्सक को एंथुजियास्टिक रहना चाहिए, है ना, हमारे चौड़े कंधे कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिलवाते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला, है ना, कि भाई किस तरीके से हम जो चीज हमने नहीं सोची होती, हमने सोचा होता है चल यहां तक ही हो जाएगा, है ना, मगर वो चीज भी हो जाती है ना। तो एंथुसियास्टिक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पेशेंट को जब डील करते हैं, है ना, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। टीचर कैन ओनली ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः। जो जो भी अब क्वेश्चंस है ना, तो उसको, हाँ जी, जो पूछना है तो उसको हम चैटिंग बॉक्स में, है ना, आप ही, है ना, बलराम आप खोलिए और बाकी को चैटिंग बॉक्स में ही रखिएगा, है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें हम फिर उसका क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ, और अगला लेक्चर लेंगे ना शुक्रवार को, तब भी उसका जो बाद में कोई याद आ जाए ना कि अच्छा यार ये क्या था, तो फिर उस दिन भी किया जा सकता है, है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा जी, मैम एक बार ये जोर खीर के साथ और दूध चावल वाला दोबारा बता दो, बच्चे बोल रहे जी। क्या बताना है बेटा, फिर से बोलिए थोड़ा सा। दूध चावल और जौ की खीर बताई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रजस्थलाचर्या का मतलब ये है ना, कि जब रज का निर्हरण होता है ना, मेंसेस साइकिल आ रही है ना, तब उसी के दौरान सघृत घी के साथ शाली चावल, है ना, शाली चावल से या रक्तशाली लेना है, जैसे देखो कहीं भी आयुर्वेद में दुग्ध लिखा है ना, दूध लिखा है तो हम क्या लेते हैं, वो दुग्ध लेते हैं, है ना, तेल लिखा है तो हम क्या लेते हैं, तिल तेल, हाँ तिल तेल लेते हैं। तो बस ये इसी तरीके से है कि जो भी हमें बताया है ना, वहां ये बताया है कि भाई वही चीज लेनी है कि भाई जो इसमें कारणभूत है ना। तो यहां हमने जो बताया है वो है दूध के साथ चावल, और सॉरी नहीं, जो संहिता ने बताया है घी के साथ चावल। ओके, हेलो, आ रही है मैम आवाज? अच्छा अच्छा अच्छा, आ रही है, ठीक है। तो दूध के साथ चावल, और दूसरा है घी के साथ चावल भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या पता है, जो दलहन ने 4 चीज बताई है, घी, दूध, चावल और जौ, है ना, तो इसलिए हमने उन चारों चीजों को कहीं ना कहीं जो भी रेशियो में ठीक करना वो फॉलो करना चाहे, है ना, तो वो कर सकते हैं, ऐसा रखा है वहां, है ना। तो इसलिए आप उन 4 में से जो भी बताना हो ना ऐसे, तो वो चीज वहां कर सकते हैं। ओके मैम, पूछो एक बार। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ में आ गया ना कि भाई जो हमारे पास घी के साथ चावल है ना, और ये जो है उसमें से हमें कुछ भी 4 में से मिला जुला के करना है, और कुछ मरीजों ने मना किया कि भाई मेरे से तो नहीं खाया जाता फिक्का चावल, इसलिए फिर हमने वहां उसको बताया था कि भाई चलो ठीक है तुम ये भी खा लो, साथ में थोड़ी मिश्री डाल लो, है ना। तो बस यही है कि थोड़ा सा बदलाव ये किया था, और उसमें भी गुणों का ध्यान रखा था, है ना, कि भाई गुण साथ में वो ही रहे, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ वो चीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर स्वाति, एक क्वेश्चन है मेरा।
मैम आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्ञानवर्धक था। मुझे ये पूछना है कि रजस्वला जो आपने चर्या बताई है, ये प्री मेंस्ट्रुअल फेस में अगर पेन हो तो ये तब से स्टार्ट करनी है या फिर सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड्स ही ये इसको फॉलो करना होता है? नहीं, ये ड्यूरिंग द पीरियड्स ही फॉलो करनी है। मैंने जो आपको शायद बताया, आप शायद समझ रहे नहीं उसको, है ना, उसमें इस तरीके से है कि जैसे अगर हमने रजस्वलाचर्या जैसे फॉलो करी, जैसे हमारे पास पेशेंट आया फर्स्ट डे ऑफ द मेंसिस पे, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मेंसिस पे हमारे पास पेशेंट आया और हमने उसको कहा कि भाई फॉलो द रजस्वलाचर्या, ओके, और उसने करी रजस्वलाचर्या फॉलो, ठीक है, तो वो तब से तो मिलेगा, मगर जो वो चार दिन परेशान होके आई वहां तो नहीं मिलेगा उसको रिजल्ट, समझ रहे? अगर मैम वो पहले जब दूसरी साइकिल आएगी ना उसकी, जी, वो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले जो भी इरिटेशन, लेबाइल मूड, नोजिएटेड फीलिंग है ना, ये सारों में मिलेगा बेटा, विदाउट गिविंग एनी ड्रग भी मिलेगा। हाँ जी मैम, इसमें मेरे पेशेंट को ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल फेज में इन कंप्लेंट्स के अलावा उसको पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स नहीं होता लेकिन बिफोर पीरियड्स होता है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो सबसे पहले जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना वो लीजिए आप अच्छी तरह से, निदान परिवर्जन और प्रकृति विघात करवाना पड़ेगा। सबसे पहले दो चीज पता है, और कुछ भी ना करें ना हम, तो दो चीज हमेशा करनी चाहिए, वो है कि भाई भोजन क्या क्या खाते हैं और भोजन अग्नि के अनुसार खा रहे कि नहीं खा रहे, है ना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या पता है कि मेरे पास जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, मैं पूछती हूँ कि अच्छा खान पान कैसा है, मैडम बहुत रेगुलर है, मैंने कभी वो कैसे, तो वो इस तरीके से रेगुलर है कि मैं सुबह 8 बजे एक पराठा, इतना बटर, स्प्राउटेड जो भी अपने मूंग और चने वो लेती लेती हूँ, 1 बजे दही के साथ, सलाद के साथ, इसके साथ इतना खाती हूँ। मेरा बहुत रेगुलर है कि शाम को 4 बजे मैंने फ्रूट्स खाना ही खाना, ओके, मेरा ऐसा डिनर होना ही होना। तो सोचिए वो आजकल पत्र पत्रिका पढ़ के और जितने भी लोग है ना, जिसको भी मन कर दिया उसने एक वीडियो बना लिया कि इसमें मैंगनीज है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें जिंक है, इसमें ये है, इसमें विटामिन है, है ना, नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, है भाई डेफिनेटली है उसमें, है ना, शायद हमें तो इतना याद भी नहीं रहता कि इसमें क्या है, है ना, वो सारा चुन चुन के बुक्स में से पढ़ पढ़ के सारी चीज बताते हैं, मगर इज इट नेसेसरी फॉर दैट बॉडी, वो नहीं देखते हैं। ये चरक बताएगा है ना कि उस शरीर में कितनी आवश्यकता है। मैंने हाईली एजुकेटेड और बहुत पैसे वाले फैमिलीज में जितने भी पीसीओडी के पेशेंट्स देखे है ना, उनमें कुछ बातें ओवर न्यूट्रिशन की बहुत कॉमन देखी। मिसाल आप देखिए कि हर रोज के 200-250 ग्राम काजू वो खा जाती है। मैंने कहा क्यों बेटा, मैडम काजू बहुत अच्छा।